हेलो स्टूडेंट्स, इस बुक में आगे हमने स्मॉल लेटर जे फॉर जोकर तक सीखा था और उसका होमवर्क भी आप सबने कर लिया होगा। आज हम आगे के लेटर सीखेंगे। कौन सा लेटर है बच्चों? के। ये कैपिटल के है और ये स्मॉल के है। बच्चों, इसमें आप सबको भी मेरे साथ बोलना है। के फॉर काइट, के फॉर कांगारू, के फॉर कोआला, के फॉर किड, के फॉर की। देखो बच्चों, नीचे आपको यहाँ पे कोआला का पिक्चर दिया है तो उसमें आपको कलर करना है। यहाँ पे आपको जो स्मॉल के दिए हैं वो आपको ट्रेस करके लिखना है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पे हमें स्मॉल के लिखना है बच्चों। रेड लाइन से स्टार्ट करते हुए ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर सिर्फ आपको ब्लू लाइन में है ये स्लैंटिंग लाइन करनी है। कौन सा लेटर है ये बच्चों? स्मॉल के। के फॉर काइट, के फॉर किंग, के फॉर कांगारू, के फॉर की। बच्चों, इसी तरह आपको भी मेरे साथ बोलते जाना है और लिखते जाना है। कौन सा लेटर है ये बच्चों? स्मॉल के। के फॉर काइट, के फॉर किंग। इसी तरह आपको स्मॉल के का पूरा पेज होमवर्क में कंप्लीट करना है। नीचे आपको एक सेंटेंस दिया है, उसमें आपको स्मॉल के आइडेंटिफाई करना है और उस पर इस तरह सर्कल करना है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। कौन सा लेटर है ये बच्चों? एल। ये कैपिटल एल है और ये स्मॉल एल है। एल फॉर लायन, एल फॉर लेपर्ड, एल फॉर लेडीबर्ड, एल फॉर लीफ, एल फॉर लैंड, एल फॉर लेम्यूर। बच्चों, नीचे आपको लायन का पिक्चर दिया है तो उसमें आपको अच्छी तरह से कलर करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर स्मॉल एल दिया है तो उसमें आपको ट्रेस करके लिखना है बच्चों। इस तरह आपको ये ट्रेस कर लिखना है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। स्मॉल एल हमें रेड लाइन से स्टार्ट करते हुए ब्लू लाइन तक सिर्फ स्टैंडिंग लाइन करनी है। एल फॉर लायन, एल फॉर लेमन, एल फॉर लेपर्ड, एल फॉर लेडीबर्ड। बच्चों, इसी तरह आपको भी बोलते हुए लिखना है। बच्चों, इसी तरह आपको स्मॉल एल का पूरा पेज होमवर्क में कंप्लीट करना है। नीचे आपको सेंटेंस दिया है, उसमें आपको एल आइडेंटिफाई करना है और उस पर इस तरह सर्कल करना है। अब नेक्स्ट लेटर देखते हैं। कौन सा लेटर है ये बच्चों? एम। ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है। एम फॉर मून, एम फॉर मैन, एम फॉर माउस, एम फॉर मोटरसाइकिल, एम फॉर मैप। नीचे बच्चों आपको मंकी का पिक्चर दिया है तो उसमें आपको अच्छी तरह से कलर करना है और यहाँ पे हमें जो एम दिए है वो आपको ट्रेस करके लिखना है। अब नेक्स्ट पेज दिखते हैं। बच्चों, आपको स्मॉल एम सिर्फ ये दो ब्लू लाइन में ही लिखना है। आपको जो डॉट्स दिए हैं उस पे आपको अच्छे से ट्रेस करके लिखना है। एम फॉर मंकी, एम फॉर मैन, एम फॉर मून, एम फॉर माउस, एम फॉर मोटरसाइकिल,
बच्चों इसी तरह आपको भी बोलते हुए लिखना है। M for man, तो बच्चों इसी तरह आपको स्मॉल m का पूरा पेज होमवर्क में कंप्लीट करना है। नीचे आपको स्मॉल m आइडेंटिफाई करना है और उस पर इस तरह सर्कल करना है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे हमें दिया है रिवीजन। आगे हमने जो भी लेटर सीखे उस पे से हमें कुछ यहाँ पे रिवीजन दिया है। देखो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिया है तो उसका फर्स्ट लेटर हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये किसका पिक्चर है बच्चों? गिटार, जी फोर गिटार। तो हमें यहाँ पे नीचे जो बॉक्स दिया है उसमें स्मॉल जी लिखना है। बच्चों आप सबको भी मेरे साथ लिखते जाना है। नेक्स्ट ये किसका पिक्चर है बच्चों? लेडी बर्ड, एल फोर लेडी बर्ड। तो हमें यहाँ पे स्मॉल एल लिखना है। नेक्स्ट कौन सा पिक्चर है बच्चों? जोकर, जे फोर जोकर। तो हमें यहाँ पर इस तरह स्मॉल जे लिखना है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, किसका पिक्चर है बच्चों? हॉर्स, एच फोर हॉर्स। तो हमें यहाँ पे स्मॉल एच लिखना है। नेक्स्ट ये किसका पिक्चर है बच्चों, बताओ आप सब लोग? गेट, जी फोर गेट। तो हमें यहाँ पर स्मॉल जी लिखना है। नेक्स्ट ये किसका पिक्चर है? की, के फोर की। तो हमें यहाँ पर स्मॉल के लिखना है। नेक्स्ट आपको पिक्चर दिया है मून का, एम फोर मून। तो हमें यहाँ पे स्मॉल एम लिखना है। तो बच्चों इसी तरह आपको ये वाला पेज भी होमवर्क में कंप्लीट करना है। बच्चों अब आपको पेज नंबर 33 ओपन करना है। वहां पे हमें दूसरी एक्सरसाइज दी है, उसमें हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर दिए हैं और सामने हमें दो पिक्चर दिए हैं, तो उसमें से जो करेक्ट पिक्चर है उस पे हमें सर्कल करना है। स्टार्ट करते हैं। कौन सा लेटर है बच्चों? जी, जी फोर क्या होता है बच्चों? जी फोर गिटार। तो यहाँ पे गिटार का पिक्चर कहाँ है? ये रहा। तो हमें उस पर इस तरह सर्कल करना है। अब नेक्स्ट लेटर देखते हैं, कौन सा लेटर है बच्चों? एच, एच फोर हैमर। एच फोर ये कौन सा पिक्चर है? जग। तो जग नहीं होता है, एच फोर हैमर होता है। तो हमें हैमर पर इस तरह सर्कल करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा लेटर है बच्चों? आई, आई फोर इंक पॉट। आई फोर ये कौन सा पिक्चर है? काइट। आई फोर काइट होता है? नहीं, आई फोर इंक पॉट होता है। तो हमें उस पर इस तरह सर्कल करना है। नेक्स्ट हमें कौन सा लेटर दिया है बच्चों? जे, जे फोर क्या होता है? जे फोर ज्यूस। तो हमें इस पे सर्कल करना है। नेक्स्ट हमें दिया है के, के फोर कांगारू। और दूसरा पिक्चर हमें ग्रेप्स का दिया है, तो वो तो जी से स्टार्ट होता है, जी फोर ग्रेप्स। लेकिन हमें के ऊपर जो आता है उससे सर्कल करना है, तो हम कांगारू पे सर्कल करेंगे, के फोर कांगारू। नेक्स्ट हमें दिया है एल, एल फोर लीफ। तो हमें लीफ पर इस तरह सर्कल करना है। ये तो इग्लू का पिक्चर है, तो वो आई से स्टार्ट होता है, आई फोर इग्लू। इसलिए हमें एल फोर लीफ पे सर्कल करना है। नेक्स्ट कौन सा लेटर है बच्चों? एम। तो हमें यहाँ पर दो पिक्चर दिए, हैन और मैन। हैन एच से स्टार्ट होता है, एच फोर हैन। और ये मैन है वो एम से स्टार्ट होता है, एम फोर मैन। तो हमें यहाँ पर एम दिया है, तो हम एम फोर मैन पे सर्कल करेंगे। तो बच्चों इसी तरह आपको ये वाला भी पूरा पेज होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो इस बुक में आज हमने जो भी सीखा वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है।